आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन इन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, सो जो लेंथ PS है वो बाइसेक्टर किस एंगल का? QPR का बाइसेक्टर है। एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT लेंथ है परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर है QR पे। देन शो दैट एंगल TPS ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R। ठीक है, सो TPS मेरा ये वाला एंगल है और एंगल Q ये है, एंगल R ये है अपना। ठीक है, हमको ये शो करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम कि PS जो है बाइसेक्टर है एंगल PQR का, QPR का। अगर PS बाइसेक्टर है QPR का, सो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR। ठीक है, जो कि अगर ये PS बाइसेक्टर है तो मेरा जो इतना एंगल होगा वो इसके एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इतना एंगल इक्वल होंगे ना, ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, और ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल QPR के। ठीक है, क्योंकि पूरे QPR के हाफ होगा ना मेरा, दोनों एंगल इक्वल है और इक्वल है हाफ ऑफ QPR। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब आओ किसमें, इस ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, इन ट्रायंगल QPT। ठीक है, QPT वाला ट्रायंगल ये बन। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में गिवन था PT इज परपेंडिकुलर टू QR। अगर PT परपेंडिकुलर टू QR तो ये एंगल भी 90 होगा। 90 है ना ये। ठीक है, सो यहाँ पर बात करते हैं कि एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो होगा एंगल Q प्लस एंगल QPT प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये पूरा एंगल Q प्लस ये वाला एंगल, यहाँ पर QPT खाली इतना हमारा, और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये 90 है फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एंगल Q प्लस एंगल QPT उसके लिए क्या मिल रही है? 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल QPT की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 90 माइनस एंगल Q। ठीक है, QPT मतलब ये वाला एंगल क्या मिल रही है? 90 माइनस Q। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब हमको क्या प्रूफ करना था? एंगल TPS के लिए इसके कोई प्रूफ करनी है, तो एंगल TPS लिख लेता हूँ। ऐसे क्या होगा, एंगल TPS को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, कि TPS को लिख सकता हूँ क्या मैं, कि QPS माइनस QPT। ठीक है, एंगल QPS माइनस एंगल QPT। अब देखो क्या लिखा, कैसे लिखा मैंने, मैंने लिखा है TPS को, मैंने लिखा है QPS, QPS मतलब ये ब्लू वाला, माइनस QPT मतलब ये वाला रेड वाला। अगर ब्लू में से रेड एंगल, जो मैंने ब्लू लाइन दिखाई है ये QPS है पूरा, और रेड लाइन है मेरी QPT, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो खाली ये बचेगा TPS। ठीक है, उसी को मैंने लिखा है। अब QPS की वैल्यू क्या है मेरी? QPS है हाफ ऑफ एंगल QPR फ्रॉम इक्वेशन वन, तो पुट कर देते हैं, तो ये हाफ ऑफ एंगल QPR है माइनस QPT मेरा, यहाँ से इक्वेशन टू से पुट कर दो, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल है? TPS के। सो ऐसे एंगल TPS कितना आ रहेगा? अभी हाफ ऑफ एंगल QPR है, QPR एंगल कौन सा है? QPR, ये एंगल पूरा P है। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल QPR मतलब हाफ ऑफ एंगल P, माइनस 90 प्लस एंगल Q, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे इधर जब ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, QPR को मैंने एंगल P लिख दिया, तो हाफ ऑफ QPR मतलब हाफ ऑफ एंगल P। ठीक है, तो यहाँ से एंगल TPS की क्या वैल्यू मिल रही है? हाफ ऑफ एंगल P माइनस, अब 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 90 डिग्री है ना। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें QPS, इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, QPS की अपनी, ठीक है अपना QP, अच्छा QPR, ठीक है QPR की बात करते हैं, जो पूरा ट्रायंगल है PQR में ट्रायंगल की बना है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पहले यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 बोल सकता हूँ ऐसे, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैंने पूरा ट्रायंगल ले लिया, पी क्यू आर बड़े ट्रायंगल है, तो पी यू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम 180 होगा फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मतलब अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इस 90 को मैंने यहाँ पर जो 90 है इसको रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यहाँ से इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर डायरेक्टली अपना एंगल TPS हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल P माइनस, अब 90 को मैंने रिप्लेस कर दिया इस पूरी वैल्यू से। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल Q। ठीक है, अब ध्यान से देखो एंगल TPS मेरा ऐसे कितना हो जाएगा, TPS हो रहा है हाफ ऑफ एंगल P
माइनस साइन ओपन करो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सबको। सो हाँ, माइनस हाफ ऑफ एंगल पी, माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू, माइनस हाफ ऑफ एंगल आर, प्लस एंगल क्यू। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे, हाफ ऑफ एंगल पी। सो एंगल टी पी एस मिल रहा है यहाँ से कितना मिल रहा है। अब देखो माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू और प्लस ऑफ हाफ ऑफ एंगल क्यू, इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस हाफ ऑफ एंगल आर, इतना बचा। ठीक है, सो एंगल टी पी एस हाफ कॉमन ले लो, कितना बचा, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। और ये हमको प्रूफ करना था कि एंगल टी पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस हाफ ऑफ एंगल आर। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।